हे hey दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चेस बोर्ड बनाना सीखेंगे। वो ब्लैक एंड व्हाइट चेस बोर्ड होता है ना, वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएट करना सीखेंगे और मैं बहुत ही आसान से स्टेप्स में बताऊंगा। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम एक्सेल शीट को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम कंट्रोल ए हमने यहाँ पे प्रेस किया, सॉरी कंट्रोल ए हमने प्रेस किया, तो ये देखिए पूरी एक्सेल शीट यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। उसके बाद हम किसी भी कॉलम के टॉप साइड पे, ये रहा टॉप साइड, इस पर जाएंगे और यहाँ पे जाकर के राइट क्लिक करेंगे तो नीचे को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है कॉलम विड्थ पे, ठीक है। तो कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहां पर हमें 5 टाइप करना है, यानी कॉलम विड्थ जो है हमें 5 रखनी है यहां पर। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। आप विड्थ और हाइट कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसा आप ठीक समझे। मैं एक स्टैंडर्ड साइज बनाना आपको बता रहा हूं। यह मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि जो कॉलम की जो विड्थ थी वो थोड़ी चेंज हो गई। उसके बाद यहाँ फिर किसी ब्लैंक एरिए पर राइट क्लिक कर दीजिए और इस बार हम कॉलम रो की जो हाइट है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हमने रो हाइट पे क्लिक किया। अब इसको हम यहाँ से 25 सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो रो की हाइट है वो सेलेक्ट हो गई। अब हमें टोटल 64 सेल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो बहुत आसान है, 8-8 के रेशियो में आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से, कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे रो सेलेक्ट हो गई। अब हम कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 ये सेलेक्टेड है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये हमने 8 सेलेक्ट कर ली, इसको सेलेक्ट ही रहने दीजिएगा। उसके बाद हमको जाना है होम टैब में, ये रहा होम टैब, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हमें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, ये रही कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके ड्रॉपडाउन पे क्लिक करिए और यहाँ से हमें न्यू रूल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो न्यू रूल का ये देखिए छोटा सा विंडो ओपन हो गया। यहाँ पर हमें जाना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर अपना फॉर्मूला टाइप कर दीजिए। ये फॉर्मूला ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर मतलब टाइप कर रहा हूँ, मतलब मैंने पहले से टाइप कर रखा है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ये फॉर्मूला मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से इसको कॉपी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इज इक्वल टू MOD, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद है ROW, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा 2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर है इज इक्वल टू, फिर है MOD, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर COLUMN मतलब कॉलम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर 2, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हम यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्लिक करना है, ये है फॉर्मेट का ऑप्शन, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा विंडो आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर एंड फिल। हमें क्लिक करना है फिल पे और यहाँ से हम अपना ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि चेस का कलर होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना। ये हमने ब्लैक कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद नीचे ओके का बटन आपको दिख रहा है। अब जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने चेस बोर्ड जो है वो बन जाएगा। तो आइए क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके पे हमने क्लिक किया, सॉरी एक और ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। वहां से क्लिक किया ओके, उसके बाद यहाँ पर भी ओके पे क्लिक करना है। तो ये देखिए जैसे हमने ओके पे क्लिक किया, चेस बोर्ड आपके सामने बन गया है ना।